हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक, रेलवेज, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में बहुत पूछा जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैंने MNS का फिज़िक्स का सिलेबस डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस पोर्शन के लिए MNS के। तो एक मेरे व्यूअर ने मैसेज किया था मुझे, कमेंट करके बताया था कि आप प्लीज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं उनके लिए आज ये वीडियो लेके आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नेम डायरेक्टली पूछ लेगा कि किसी इंस्ट्रूमेंट का नेम दे देगा एंड पूछ लेगा कि इसका वर्क क्या है। एंड कभी कभी वर्क दिया रहता है, इंस्ट्रूमेंट के चार ऑप्शंस में नेम दिए रहते हैं, चार इंस्ट्रूमेंट के नेम रहते हैं, उसके रिगार्डिंग भी रहते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी रहते हैं जी, बताना होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किसका है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर इज़ यूज़ टू, ये किसके लिए यूज़ होता है? तो आप, मैं ऑप्शंस दूंगी, आप आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन ए इज़ डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी। ऑप्शन बी इज़ मेजर हीट रेडिएशन। ऑप्शन सी इज़ कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ एवर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी। तो क्रोनोमीटर का राइट ऑप्शन आंसर है डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। पायरोमीटर, पायरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। तो पायरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है वो बताना है। हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए, वाटर प्रेशर को मेज़र करने के लिए, या वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर स्पीड ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वेरी हाई टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वेरी हाई टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, ये पायरोमीटर जो होता है ये सन का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको मेज़र किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि किसका, एक एग्ज़ाम्पल में बताइए, तो सन रहेगा तो आप सन पे टिक करेंगे। अब देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट्स को। तो सबसे पहला है एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर यूज़ होता है एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए। जो एल्टीमीटर है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एयरक्राफ्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप उसका राइट ऑप्शन टिक करेंगे एल्टीमीटर को। नेक्स्ट इज़ एमीमीटर। तो एमीमीटर जो होता है ये मेज़र करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को। इलेक्ट्रिक करेंट कितना स्ट्रांग है वो एमीमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट इज़ एनीमोमीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनीमोमीटर मेजर्स फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन। ये बहुत रिपीटेड रहता है एनीमोमीटर, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एल्टीमीटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र किया जाता है, कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, तो ऑडियोमीटर के द्वारा इसका मेज़रमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ ये मेज़र करता है कॉन्टीन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज बैरोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज़ बाइनोकुलर्स। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बाइनोकुलर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ बोलोमीटर। तो बोलोमीटर जो होता है ये हीट रेडिएशन को मेज़र करने के लिए होता है, यूज़ में आता है बोलोमीटर। नेक्स्ट इज़ कैपिलर्स, कैलिपर्स। तो कैलिपर्स जो होता है वो इनर एंड आउटर डायमीटर्स को, जो कोई बॉडी है उसमें इनर एंड आउटर डायमीटर को मेज़र करने के लिए कैलिपर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कैलोरीमीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
मेजर क्वांटिटीज ऑफ हीट, तो कैलोरी कितनी कैलोरी बर्न हुई हम बोलते हैं, कॉमन वर्ड है, तो उसी से आप कैलोरी मेजर कर सकते हैं, याद आपको लर्न हो जाएगा इजीली, क्वांटिटीज ऑफ हीट. नेक्स्ट इज कार्बोरेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MNS एग्जाम के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूज फॉर चार्जिंग एयर विथ पेट्रोल वेपर्स इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन. तो कभी कभी इंजन वगैरह में कार्बोरेटर बोलते हैं कि ख़राब हो गया, तो कार्बोरेटर क्या करता है, यूज फॉर चार्जिंग एयर विथ पेट्रोल, पेट्रोल के द्वारा एयर चार्ज किया जाता है, वेपर्स इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन को, इंजन को चलाने के लिए. नेक्स्ट इज कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम भी MNS के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इसका इंटरव्यू में भी यूज़ पूछा जाता है, तो आपको कार्डियोग्राम का यूज़ पता होना चाहिए. तो ये ECG मशीन को बोलते हैं, ये क्या करता है, हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है, हमारा हार्ट रेट कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है, वो चीज़ें इससे वो जो ग्राफ है उसको कार्डियोग्राम के द्वारा मेज़र किया जाता है. जो ट्रेसेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन द कार्डियोग्राफ, एक ग्राफ टाइप का हम ECG जो आप कराएंगे आप तो देखेंगे कार्डियो एक ग्राफ मिलता है ECG करने के बाद, वही ये रिकॉर्ड करके बताता है कि हार्ट बीट हमारी नॉर्मल है कि ज़्यादा चल रही है कम है, सारी चीज़ें पता चलती हैं इससे. नेक्स्ट इज कैथेटोमीटर, तो कैथेटोमीटर जो है ये डिटरमाइंस हाइट, मेजरमेंट ऑफ लेवल एक्सेट्रा इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हाइट मेज़र करने के लिए, लेवल को मेज़रमेंट के लिए ये यूज़ होता है कैथेटोमीटर का. नेक्स्ट इज क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर जो होता है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही था, डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी. नेक्स्ट इज सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कलोरीमीटर, तो ये कलोरीमीटर जो होता है ये कंपेयर करता है इंटेंसिटी ऑफ कलर्स को, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, इससे कलोरीमीटर से आप कलर से कंपेयर कर सकते हैं इसको, कलोरीमीटर आपको लर्न हो जाएगा इजीली. तो ये इंटेंसिटी ऑफ कलर को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कलोरीमीटर को. नेक्स्ट इज सिनेमेटोग्राफ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सिनेमेटोग्राफ, यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं स्क्रीन पे जो पिक्चर हमें दिखाई देती है प्रोजेक्टर के द्वारा, इसी का यूज़ करके दिखाई देती हैं. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होता है तो इसके लिए ये पूछा जाता है. नेक्स्ट इज कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर जो है ये टू चेंज या रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करेंट है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है. ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, अल्टरनेट करेंट को डायरेक्ट करने में चेंज करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज क्रिस्कोग्राफ, तो क्रिस्कोग्राफ जो है ये प्लांट में कितनी ग्रोथ हो रही है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स. नेक्स्ट इज क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर एक तरह का थर्मोमीटर है, यूज्ड टू मेज़र वेरी लो टेम्परेचर, जैसे हम थर्मोमीटर का यूज़ हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, एंड पायरोमीटर का यूज़ वेरी हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, वैसे ही क्रायोमीटर का वेरी लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है यूज़, क्लोज टू 0°C टेम्परेचर को ये मेज़र करता है. नेक्स्ट इज डायनेमो, तो डायनेमो जो है ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डायनेमो, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डायनेमो. नेक्स्ट इज डायनेमोमीटर, तो ये मेजर्स इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, वोल्ट कितना, अभी वोल्टेज कितना है, ये इससे नापा जाता है डायनेमोमीटर से. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने लैब वगैरह में बहुत यूज़ किया है, तो उससे हमें, हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं, तो ये कितना मैग्नीफाई कर जाता है, 20,000 टाइम्स बड़ा कर देता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो हम वहाँ पर
देखते हैं माइक्रोस्कोप में लगा के जो स्लाइड, वो बिल्कुल छोटे हमें वैसे पता नहीं चलते हैं, एंड जब हम स्लाइड से देखते हैं, अच्छा माइक्रोस्कोप से देखते हैं लेंस लगा के, तो हमें वो बिल्कुल अच्छे से दिखता है। तो ये कितना ब्रॉड कर देता है, 20,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके वो पिक्चर को हमें दिखाता है। नेक्स्ट इज़ इंडोस्कोप। तो इंडोस्कोप जो है टू एग्ज़ामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इंडोस्कोप का यूज़ जैसे कोई इंटरनल डिजीज़ हो रखा है, कुछ चेकअप वगैरह कराना होता है इंटरनल पार्ट्स को, तो उसके लिए इंडोस्कोप कराया जाता है, इंडोस्कोपी कराया जाता है। तो इसका यूज़ होता है इंटरनल पार्ट्स को एग्ज़ामिन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ फैथोमीटर। तो फैथोमीटर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेज़र करता है डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द ओशन। तो ये जो है ये बहुत बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फैथोमीटर, इसको भी बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो ये क्या करता है, डेप्थ को मेज़र करता है फैथोमीटर। नेक्स्ट इज फ्लक्स मीटर। तो फ्लक्स मीटर जो है ये मेज़र करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, फ्लक्स मीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट इज़ ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन किसका यूज़ करते हैं हम, तो यूज़ टू रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डेड साउंड। जो हम कोई रिकॉर्ड करते हैं साउंड को, तो उसको वापस से चलाने के लिए किसका यूज़ होता है, तो ये ग्रामोफोन का यूज़ करके हम जो हम अप्लायंस यूज़ करते हैं उसमें रिकॉर्ड करने का होता है ऑप्शन, एंड रिकॉर्ड करने के बाद हम वापस उसको सुन सकते हैं, तो उसमें ये ग्रामोफोन नाम एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसके वजह से हम वापस उसको रिपीट करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेज़र द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कितना डेंस लिक्विड है हाइड्रोमीटर से पता चलता है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी बताती जा रही हूँ कि कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको आप उन सभी को बहुत इम्पॉर्टेंट मान के, एंड आप वो कभी भी आप जितना मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ आप देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आप अगर उठा के देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के पेपर्स को, तो आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन। तो आप इसीलिए आप उसको एकदम ध्यान से पढ़ें, एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, बिल्कुल कर लें चैनल को सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट अब देखते हैं हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन जो है ये साउंड अंडर वाटर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जो पानी में किसी चीज़ को डाला जाता है उसका साउंड हमें कैसे पता चलेगा, हाइड्रोफोन के द्वारा पता चलता है, साउंड अंडर वाटर मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर भी रिपीटेड है, तो ये लेवल मेज़र करता है ह्यूमिडिटी में कितना, मतलब कितना ह्यूमिड है अभी हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको नापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट इज हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर जो होता है ये डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड का, जैसे पानी का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑयल का कितना है, किसी और ऑयल का मतलब कैरोसिन का, फिर मस्टर्ड ऑयल, सबका अलग अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हिप्सोमीटर के द्वारा इसका बॉइलिंग पॉइंट मेज़र किया जाता है किसी भी लिक्विड का। नेक्स्ट इज़ काइमोग्राफ। तो काइमोग्राफ का ग्राफिकल रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ होता है काइमोमीटर का, काइमोग्राफ का। नेक्स्ट इज़ लैक्टोमीटर। ये भी बहुत बहुत पूछा गया है एग्ज़ाम में, लैक्टोमीटर रिपीटेड है क्वेश्चन ये सभी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली एमएनएस के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो मेज़र द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कितना शुद्ध है ये लैक्टोमीटर के द्वारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैकमीटर। मैकमीटर का यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में। तो कोई भी एयरक्राफ्ट में आप देखेंगे मैक से नाम रहता है, तो आप उस कितने मैक का है इसका पावर आप ऐसे देख सकते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट में रहता है। तो इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो मैकमीटर का यूज़ एयरक्राफ्ट के स्पीड को नापने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़
माइक्रोफोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन. इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें. कभी कभी हम इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन पे कर देते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन से साउंड वेव में कन्वर्ट करता है. नहीं, वो बिल्कुल गलत है. साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन. नेक्स्ट इज नेफिलोमीटर. तो नेफिलोमीटर जो है ये स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड. ये मेज़र करता है स्केटरिंग ऑफ लाइट, कितना लाइट का है उसमें पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड में चमकते हैं. नेफिलोमीटर के द्वारा नापा जाता है स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड. नेक्स्ट ऑप्टोमीटर. तो ऑप्टोमीटर जो होता है यूज्ड फॉर टेस्टिंग द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई. जैसे किसी का आँख में दिक्कत हो जाता है, जैसे मैंने अभी पिछला एक वीडियो बनाया था एमएनएस का मेडिकल क्राइटेरिया पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं. बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे कमेंट किया था कि मैम मेरा इतना आई पावर है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं. मैंने उनको बताया था, मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना के बताऊँगी कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना चाहिए. तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं. एंड ऑप्टोमीटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये हमारे आई पावर को देखने के, नापने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किसका आई कितना अभी मतलब अच्छा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे पता चलता है ऑप्टोमीटर के द्वारा. नेक्स्ट इज, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. अब एक और वीडियो इसका आएगा जिसमें बहुत सारे अभी और बचे हुए हैं वो कवर अप हो जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप देख सकें. ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं ले आती रहूँगी हमेशा, यूज़फुल वीडियोज़ जो आपके एग्ज़ाम में, आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका हेल्प करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.